सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ऐसे टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा ये सोडा डिस्पेंसर। जब हम कोई बड़ी सोडा बोतल ख़रीदते हैं तो जब वो सोडा बोतल ख़त्म होती आती है तो उसकी गैस जो उसकी फीस होती है वो निकल जाती है। तो इस सोडा बोतल डिस्पेंसर के बारे में कहा जा गया है कि इसके लास्ट कप तक जो बोतल में अपना कोल्ड ड्रिंक है उसकी गैस जो उसकी फीस है वो नहीं निकलती। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो गाइज, मैं इसकी कोई एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहता, पर बार बार मुझे अनबॉक्सिंग के वीडियोस पर कमेंट आते हैं कि आप लिंक दे दीजिए इसकी परचेस लिंक। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी लिंक दे दिया है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये इसका स्टैंड उन्होंने दिया है और ये उसका बॉटल के ऊपर लगाने का पार्ट है और ये टैप है, नल जिसे कहते हैं। तो ये टैप है और ये पिन दिया हुआ है जो शायद पंक्चर करने के लिए बॉटल को होगा। अब जो मेरे पास ये स्प्राइट की बॉटल है, मैं इस पर इसे टेस्ट करूँगा। ये जो इसका पार्ट है जो बॉटल के ऊपर वाला ढक्कन का, जिसे हम इसे इसके ऊपर यहाँ पर फिट कर देते हैं। और इसका जो टैप है इसे यहाँ पर मैं फिट कर देता हूँ। उसे मैंने इस पर फिट कर दिया है तो ये हो चुका है। अब मैं स्टैंड के ऊपर इसे इस तरह से उल्टा करके यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये जो मेरा सोडा बोतल रेडी हो चुका है निकालने के लिए सोडा इसमें सर। तो गाइस, अब मैं इसमें से सोडा निकालने की कोशिश करूँगा। इसे मैं इस तरह से प्रेस करूँगा पर इसमें से सोडा आ नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है टैप में। तो मैं इसे एक बार खोल कर देख लेता हूँ, इसका जो नल है इसका टैप है इसे खोल कर देख लेता हूँ। ये इसका टैप है और मैं इसे यहाँ से खोलूँगा। तो इसमें एक रबर दिखाई दे रहा है जो शायद इसमें अटका हुआ होना चाहिए, जो अटका हुआ नहीं है। तो मैं इसे रबर को निकालूँगा और इस रबर को इसमें अटैच कर दूँगा। यहाँ पर अंदर होल है जिसमें ये अटका हुआ होना चाहिए। तो ये अटक चुका है, अब मैं इसे यहाँ पर इसे लगा दूंगा। तो मैं अब इसे फिर से जोड़ने जा रहा हूँ, स्टैप को यहाँ पर लगा देता हूँ। और ये कैप बॉटल के ऊपर यहाँ पर फिट कर देता हूँ।
तो गाइस ये अब पूरी तरह से ओके हो गया है, तो अब हम इसे शरबत अपने सॉफ्ट ड्रिंक को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो गाइस आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू गाइस।